तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अनदर ब्रांड न्यू GT5 गेम प्ले। तो गाइस यार, आज मैं अपने घर से कबाड़ा निकाल रहा था तो वहां पर मुझे एक पुराना टीवी मिला जो मेरे पापा का टीवी है। मैं अपने पुराने घर से लेके आया था, पर गाइस यार अब तुम्हें पता है जो पुराने टीवी होते हैं उनका कोई यूज तो है नहीं। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आला देख मेरी साइकिल। अरे सुमित भाई, इसने नई साइकिल ली और देखो यहाँ पर मुझे चिढ़ाने आया है, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। आइला देख रहा हूँ मेरी साइकिल कितनी ज्यादा मस्त है। आइला आइला देखा देखा। ओए डोरेमोन के बच्चे, यहाँ पर आके सिंचैन को बिगाड़ने का काम करता है। अरे सुमित भैया, मुझे भी साइकिल चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है सिंचैन साइकिल वाइकल खरीदने के। ठीक है आइला देख, तेरे पास तो पैसे ही नहीं सिंचैन। भाई तुम लोग बकवास करो। तो गाइस यार, जिस टीवी के बारे में बात कर रहा था, देखो ये वो टीवी है। तो चलो यार, मैं जाता हूँ कबाड़ी वाले को बुलाने के लिए और कबाड़ी को देखते यार काफी अच्छे पैसे मिलेंगे इससे मेरे को। ओ डोरेमोन, किधर गया भूतनी के? वो तेरी मम्मी बुला रही है। ओए किधर है? आइला पापा। ओ क्या, ओ तू मेरी साइकिल लेके आ गया? अरे पापा, तो मेरी साइकिल थी ना। ओ ये मेरी साइकिल है, मैं मेरे लिए लेके आया जिससे मैं ऑफिस जा सकूं। तू यहाँ पर हवा बना रहा है, अब बेशरम ये ले। अरे पापा, आइला पापा मुझे मत मारो। ओए तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी। यार डोरेमोन झूठ बोल रहा है, उसकी साइकिल नहीं है ये, तो उसके पापा की साइकिल है। आइला पापा प्लीज प्लीज बेइज्जती मत करो सिंचैन के आगे मेरी। ओए तुम दोनों की ऐसी तैसी, चल घर चला चुपचाप। तेरी ऐसी तैसी मेरी साइकिल लेके आ गया यहाँ पर। आइला पापा मत मारो पापा। अरे सुमित भैया देखो, अरे सुमित भैया यहाँ पर है ही नहीं यार। चलो घर चलता हूँ मैं अपने। अरे एक सेकंड, साइकिल तो लेना ही भूल गया, ये सिंचैन का बच्चा चलाएगा। टीआरडीए चाची ये ले। अरे मेरे को क्यों मारा फालतू में? वो मेरी साइकिल मेरे को डोरे रम पम पम बड़े मजे में हम बम 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 बम। अरे भाई सब कहाँ है आपका घर? भाई थोड़ा सा ही ऊपर है। भैया टीवी तो अच्छी है ना कंडीशन में? भाई बहुत पुरानी टीवी मेरे पास, आपको देख के मजा आ जाएगा। अरे सुमित भैया आ गए, तुम किसको लेके आए हो? कबाड़ी वाले को। ओ बच्चे क्या हाल है? अरे बढ़िया कबाड़ी वाले अंकल, आप बताओ। वो दिखा कैसा टीवी है? हाँ भाई सब ये कचरे की पेटी के ऊपर रखा है, कचरे की पेटी के ऊपर आपके पीछे। अरे ये टीवी है क्या? हाँ हाँ। अरे एक सेकंड, ये क्या हो गया? डोरेमोन फैल क्यों हो गया? अरे सुमित भैया उसके पापा आए थे, बड़ा पीट के गए उसको। अरे क्यों? सुमित भैया वो साइकिल थी ना, वो असल में इसके पापा की थी ना कि इसकी। मैं तो बोल ही रहा था सिंचैन, ये डोरेमोन का बच्चा तुझे सिर्फ चिढ़ाता है और कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई सब, क्या प्राइस दोगे इसकी मुझे? भाई पुरानी है बहुत ज्यादा। अरे भाई यार तुम एक काम करो, ये टीवी मुझे मत बेचो। फिर कौन लेगा इसको? अरे तुम मेरे काम करो, मेरे एक दोस्त है टीवी मैन, उसके पास लेके चलो, हमारा गुरुजी, वो अच्छे प्राइस देगा तुम्हें इसके। क्या ऐसे कितने अच्छे प्राइजेस देगा? अरे सुन ले मैं भी चलूंगा, बैठ जा गाड़ी के अंदर। अरे सुमित भैया कहाँ बैठू? पीछे बैठ जा पीछे। अरे सुमित भैया चलो चलो, मैं टीवी के ऊपर ही बैठ गया। भाई सब कौन आपका गुरुजी? अरे टीवी मैन हमारा गुरुजी, बहुत अच्छे दाम देगा इस चीज के तुम्हें। ओके तो ठीक है गाइस यार, अभी हम लोग जा रहे हैं टीवी मैन के पास, क्योंकि यार ये कबाड़ी वाला तो मेरे को सिर्फ 1000 रुपए दे रहा था और 1000 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ इसके मालिक, इसके बॉस के पास जो है टीवी मैन। वो मेरे को इसके बदले में काफी अच्छे पैसे दे सकता है, बोल रहा काफी अच्छे पैसे दे सकता है। सुमित भैया फिर उन पैसे से हम लोग साइकिल खरीदेंगे। मैं साइकिल वाइकल नहीं खरीदूंगा, घर का बिल भरना है बिजली का, ठीक है, और काफी सारी कीमती चीजें लानी घर की, वो सब करूंगा। बोतल भी खत्म हो रखी है। अरे सुमित भैया कितनी दूर आ गए तुम घर से, पागल हो क्या? यहाँ पर चोर लुटेरे होंगे। अब चोर लुटेरे तो नहीं होंगे, बाय द वे यहाँ पर चल क्या रहा है गाइस? ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक नहीं लग रहा। अरे पागल हो क्या, टक्कर क्यों मारी अपन को? अरे भाई सब सॉरी यार, ब्रेक फेल हो गए। बॉस देखो मैं आपके लिए क्या चीज लाया हूँ। अरे तो पागल हो गया कि टक्कर क्यों मार रहे? अरे भाई साहब गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, तो आप ही हो गए टीवी मैन। अरे बॉस देखो मैं आपके लिए खतरनाक वाला टीवी लाया हूँ, जैसा आपको पसंद है वही टीवी है इसके पास, इस बंदे के पास, आप इससे खरीद सकते हैं। ओए चल लेके आ टीवी, मेरे को टीवी दिखा अगर मुझे पसंद आया तो। अरे भाई ऐसा ही टीवी तो मेरे को चाहिए था। बॉस मैं बोला ना, अरे टीवी तो काफी मस्त है रे भाई, ये पर मैं इसको पहन के देखता हूँ कैसा है। एक सेकंड रुकिए। अरे अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे सिर के ऊपर आ गया। मैं हूँ टीवी मैन, मैं तुम्हें इस टीवी के काफी अच्छे पैसे दूंगा। अरे सुमित भैया ये कैसा आदमी है? सिंचन ये असल में टीवी मैन है, और गाइस यार देख रहे हो इतना अपने सिर के ऊपर टीवी लगा लिया। अगर तुम मुझे और ऐसे टीवी लाके दोगे तो मैं तुम्हें एक स्पेशल पावर दूंगा जिससे तुम करोड़पति बन जाओगे। क्या? अगर मैं ऐसे और टीवी लेके आऊंगा तुम मुझे ऐसी पावर दोगे? सुमित भैया लेके आओ चलो। ओ गाइस यार मुझे पता है ऐसे टीवी कहाँ पर मिल सकते हैं, तो मैं आपका मॉन्स्टर ट्रक लेके जा रहा हूँ। ठीक है वापिस जरूर लेके आना। हाँ ले आऊंगा ले आऊंगा।
तो चलो गाइस यार हम लोग चलते हैं ऐसे पुरानी टीवी ढूंढने के लिए। अगर मैं ऐसे पुरानी टीवी लेके आऊंगा ना तो गाइस यार ये बंदा मेरे को एक खतरनाक वाली सुपर पावर देगा और देखते वो पावर कैसे होने वाली है। तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। तो गाइस यार ऐसे पुराने जमाने की चीज पुरानी टीवी एक जगह कहां मिल सकती है, वो है कबाड़े में। तो गाइस यार अभी हम आ चुके लॉस सैंटोस के कबाड़े में। ओके तो गाइस यार सुमित भैया कबाड़े में कबाड़ा आ गया, मतलब सुमित भैया तुम भी तो कबाड़ा हो। हेलो भाई साहब, कौन है आपका मालिक? अरे हम। हाँ भाई साहब वो असल में टीवी खरीदनी मेरे को। अरे ये कोई टीवी खरीद, क्या टीवी की दुकान लगती है? अरे नहीं नहीं मेरे को असल में पुराने जमाने के टीवी खरीदने, वो पुराने जमाने में चलते थे ना वो वाले। अरे वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे भैया। फिर कहाँ मिलेंगे? अरे भैया वो तो तुम्हें शहर से बाहर वाले कबाड़े खाने में मिलेंगे। 2 महीने पहले हमने सारे टीवी वहाँ पहुँचा दिए क्योंकि यहाँ काम ही नहीं उन चीजों का। अच्छा अच्छा ओके, तो गाइस यार मुझे असल में जाना होगा बाहर के कबाड़े में। अरे सिम्बिया अंदर के कबाड़े में तो तुम खड़े हो। अरे बच्चा बहुत बोलता है। अरे बच्चा बोलता नहीं, बहुत ज्यादा पादता भी है ये। सुमित भैया तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवाते हो? हर जगह तू बेइज्जती कराने के लायक है सिंचन। अरे ठीक है भैया, पता भेज दिया तुम्हारे पास। ओके ओके भाई साहब शुक्रिया तुम्हारा। तो लेट्स गो गाइस चलते हैं जल्दी से। अरे भाई साहब ये लोग पागल है यार, मेरे आगे गाड़ी लेके आ रहे हैं। सुमित भैया तुम उनके ऊपर गाड़ी चला रहे हो ना कि वो तुम्हारे आगे लेके आ रहे हैं, पागल हो क्या थोड़े? तो गाइस यार आज तो बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ रहे, पर भाई साहब ये क्या है यार? अरे सुमित भी आराम से चला लो, तुम्हें कभी मोटर ट्रक नीचे लाया क्या? अबे यार ये बहुत ज्यादा ऊंचा है ना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन नीचे कौन ऊपर। अरे ठीक है चलो यार अब जल्दी सी। तो गाइस यार देखो जो कबाड़ खाने के बारे में वो आदमी बात कर रहा था वो असल में ये कबाड़ खाना है, ये असल में सबसे पुराना कबाड़ खाना है। जो कबाड़ा बिकता नहीं है ना वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर समझो कबाड़ा वो कबाड़ा होता है जो कभी बिकता ही नहीं है। तो गाइस यार देखो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब इस बंदे ने तो सारे टीवी पहले ही निकाल रखे हैं। सुमित भैया मेरे को तो उतारो, खुद उतर लेना सिंचन तू। अरे सुमित भैया चलो अब जल्दी सी। अरे भाई साहब आपने सारे टीवी निकाल लिए? मेरे बॉस का फोन आया था, बोला आप आने वाले हो खरीदने के लिए। ओ गाइस यार देखो कितने सारे टीवी मिल गए यार, मेरे को ये टीवी चाहिए थे। कितने पैसे हो गए भाई इनके? अरे ये सब तो कबाड़ा है, फ्री में ले जाओ। नहीं नहीं फ्री में नहीं लेके जाऊंगा, काम करो मैं आपके इसके बदले आपको 5,000 रुपए दे दूं। 5,000 रुपए इस कबाड़े के बदले में? हाँ क्यों नहीं भैया क्यों नहीं। ओके शुक्रिया शुक्रिया। अरे सुमित भैया 5,000 रुपए में मजे हो गए। ओहो भाई साहब शुक्रिया आपका, रखवा दे क्या आपके ट्रक में? हाँ भैया थोड़ा सी हेल्प करा देना रखवाने में। सुमित भैया अगर 5,000 रुपए में कुछ नहीं आया तो मतलब सुमित भैया वो झूठ बोल रहा होगा, तो क्या हमें कोई सुपर पावर देगा? अगर नहीं मिली तो हमें कोई सुपर पावर? अब मिलेगी सिंचन, क्यों नहीं मिलेगी, पागल है क्या? पक्का मिलेगी। तो चलो गाइस यार अब चलते हैं जल्दी से, थोड़ा काम और है तुम्हारे भाई को। काम क्या है अब मेरे को? बस ये टीवी सारे के सारे लेके जाने उस टीवी मैन के पास जो मुझे प्रॉमिस करा था कि यार वो मेरे को कोई सुपर पावर देगा। अरे सुमित भैया उस सुपर पावर के अंदर क्या होगा? भाई मुझे क्या पता क्या होगा, सुमित भैया कुछ खतरनाक चीज दी तो उसने सुपर पावर में तो मजा आ जाएगा सही में। तो गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहां पर। भाई साहब इसके भी ब्रेक फेल हो गए लगता है। ब्रेक फेल नहीं, तुम्हें गाड़ी ही चलानी नहीं आती। लो भाई साहब आपने टीवी मंगाया तो मैं सारे टीवी लेके आ चुका हूं। तुम धमाल हो भाई साहब, तुमने प्रॉमिस किया और तुमने मेरे को इतने सारे टीवी लाके दिए। मैंने जो प्रॉमिस किया है अब मैं तुम्हें वो दूंगा, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें एक सुपर पावर दूंगा तो इम शिम पोशलमो खुशी हरम भाई हाय हाय। अरे ये क्या कर रहा है भाई? ये मेरा जादुई टोना है, टेंशन मत ले ब्रो, तेरे को पावर्स मिलेगी गंबरे गंबरे हरम बारे। ओए ये क्या हो रहा है भाई साहब? सुमित भैया यहाँ पर बम गोले गिरने वाले हैं। पता नहीं सिंचन क्या होने वाला है, पर गाइस यार जो मैं टीवी लेके आया था उसके अंदर पता नहीं अजीब सा क्या हो रहा है यार, अजीब सा मैजिक हो रहा है, कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है। टेंशन मत लो तुम्हें पावर्स मिलेगी। ओए भाई साहब ये क्या हो गया मेरे ऊपर? सुमित भैया ये क्या हो रहा है? अब जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, मतलब जो तुम्हारी विश वो मांगो। ओके ओके तो गाइस यार मैं मांगता हूँ गाड़ी। ओए ओ भाई साहब सुमित भैया क्या खतरनाक चीज मिली है? अब तेरे को क्या हो गया सिंचन? सुमित भैया एक्साइटमेंट की मारी आवाज चेंज हो गई थी। ओ भाई साहब गाइस यार ये पावर्स तो सही में खतरनाक है यार, मैंने मांगी एक गाड़ी मेरे को मॉन्स्टर ट्रक मिल गया यार, ये पावर तो सही में इनसेन है यार। ओ भाई साहब चले क्या सिंचन? सुमित भैया अब क्या करना है? तो गाइस यार तुम्हारे भाई ने खतरनाक वाला घर खरीद लिया है, देख रहे हो मैंने मांगे थे पैसे, मुझे पैसा मिल गया, मैंने मांगा घर, घर मिल गया। और गाइस ये देखो मेरे नौकर है सारे के सारे, और गाइस यहाँ पर देखो कितने सारी गाड़ियां मंगा ली तुम्हारे भाई ने, इतनी सारी गाड़ी सिर्फ बोलने पाई तुम्हारे भाई के बोलने बोलने पे, देख रहे हो इतनी सारी गाड़ियां। कैसी लगी आपको ये सारी सारी गाड़ियां? सुमित भाई एक साइकिल दिला दो। ठीक है तो गाइस यार सिंचन के लिए साइकिल आ जाए। ले सिंचन आ गई, कहाँ है सुमित भैया? ये रही हो बेटे, मजा आ गया, एक साइकिल मिल गई। तो गाइस यार यहाँ पर सिंचन को मैंने एक साइकिल दे दी। तो चलो गाइस यार अब चलता हूँ जल्दी से, इस डोरेमोन के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, वो अपने पापा की साइकिल से मेरे आगे फ्लेक्स मार रहा था ना, अब उसको बताता हूँ। ओए डोरेमोन देख डोरेमोन मेरी साइकिल,
आइला, अरे तेरे को साइकिल कहाँ से मिली? अरे ये वाली साइकिल तो तेरे पापा की है ना, देख ये साइकिल देख, तेरे वाले पापा की साइकिल से कम से 20,000 रुपए महंगी है, ये क्या कबाड़ा साइकिल है? आइला आइला ऐसे मत कर यार। मैं तो चला आया था अपनी साइकिल से, रेस लगाएगा क्या मेरे साथ? आइला रुक जा, रुक, मेरे पापा मारेंगे मेरे को, साइकिल गिरा दी तूने। मैं तो जा रहा हूँ। ओ गाइस मजा आ गया, तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भोले भटके आए थे सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे किसी और गेम प्ले में। आइला आप मार डाला।